उसने उसको लाइक पास कर दिया। वेलकम टू शारदाज वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। पैन में सरसों का तेल ऐड करना है और जब तेल गर्म हो जाएगा तो मैं एक प्याज ऐड कर दूंगी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है सैटरडे का, सैटरडे इवनिंग का। दिया बाती कर लिया है मैंने और शाम की चाय भी हो चुकी है। अब होने लगी है डिनर की तैयारी और डिनर में बनेगा आज चिकन तंदूरी रोटी के साथ। आज मैं बनाऊंगी मटर चिकन। तो प्याज जब हाफ डन हो जाएगा फिर मैं इसमें लहसुन और अदरक ऐड करूंगी। ये देखिए 5 से 6 लहसुन और 1 इंच अदरक ऐड कर दिए हैं। जस्ट 15 सेकेंड तक सौटे करना है और फिर इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड होंगी। टमाटर और हरी मिर्च ऐड करने से पहले ये खड़े मसाले भी मैं ऐड कर दूंगी। 4 हरी इलायची, 5 से 6 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, 1 दालचीनी और छोटा सा 1 जावित्री। फिर मैंने 2 टमाटर और 3 हरी मिर्च ऐड कर दिए हैं। इन सभी चीजों से मैं एक मसाला पेस्ट तैयार करूंगी जिसमें चिकन बनेगा। तो ये देखिए, अब मैंने नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिए हैं। वही जो बेसिक से मसाले होते हैं वही मैंने ऐड किए हैं और टमाटर के गलने तक पका लेना है और फिर इसका एक पेस्ट बनाना है ठंडा करने के बाद। तो चलिए इसको ठंडा करके पेस्ट बनाते हैं। और इधर पैन में मैंने सरसों का तेल ले लिया और फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून जीरा, 2 तेजपत्ता ऐड कर दिए हैं। ये देखिए 2 बड़ी इलायची भी ऐड कर दिए थे और फिर चिकन ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 650 ग्राम चिकन लिए हैं। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेने हैं, थोड़ा सा नमक। मसाला में ऑलरेडी मैंने नमक ऐड कर रखा है तो बस चिकन के हिसाब से नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद फिर मैंने चिकन को तकरीबन 2.5 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया था। फिर मैंने जो पेस्ट बनाया था उस पेस्ट को ऐड कर दिया और 1 कटोरा भर के मटर। 1.5 से 2 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेना है और फिर इसमें ग्रेवी ऐड होगा। ग्रेवी थोड़ा सा मैं ज्यादा ऐड करूंगी क्योंकि चिकन अभी कच्चा है। और ग्रेवी ऐड करने के बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम पे चिकन को 15 मिनट तक पका लेना है। जब तक चिकन पक रहा है इधर मैं तंदूरी रोटी सेक लूंगी। सरस्वती को चिकन के साथ ज्यादातर तंदूरी रोटी खाना बहुत पसंद है। तकरीबन 15 मिनट से चिकन पक रहा है और ये देखिए चिकन का ग्रेवी बिल्कुल थिक हो गया है और चिकन बिल्कुल डन है। तो लास्ट में ये मोटे वाले ग्रीन चिली में ऐड कर दूंगी और थोड़ी देर 5 से 7 मिनट तक फिर से स्लो फ्लेम पे पका लेना है। टीवी लगाए बिना इसका काम नहीं चलता है। एटमॉस्फेयर बना रही हूँ, इतना अच्छा खाने के साथ तो ना मतलब होना चाहिए ना थोड़ा। और अपल दर्जी का बना और फ्रेंड दर्जी का चेहरा कैसा लग रहा है आप सबको बताना है। तो मुझे बताना जरूर। वैसे बिना मूंछ का और बिना बाल का दर्जी का चेहरा इस ढंग का है। देखिए इसको छिपाने के लिए हमने ये पहना हुआ है, घर में भी टोपी पहन के जा रहा है और कुछ ठंडा लगता है ये होने के बाद, इस वजह से भी पहने हुए बिना बाल का। फ्रेंड्स एक बार मटर सीजन में है, मटर के साथ इस चिकन को ट्राई जरूर करना। सब्जी के साथ जब भी हम नॉनवेज बनाते हैं ज्यादा बेस्ट बनता है, मेरे ख्याल से ज्यादा टेस्टियर हो जाता है, काफी इनहेंस्ड कर देता है उसके टेस्ट। हाँ, सब्जी के टेस्ट को। हमारे यहाँ तो मोस्टली सब्जी के साथ बनाती हूँ मैं, उसके बिना ना बहुत रिपीटेटिव सा। पिछले बार सासुती को सलजम चिकन बहुत अच्छा लगा था, आज वो फिर से कह रही थी मुझे सलजम चिकन बनाओ, लेकिन मेरा बहुत दिन से मटर चिकन उसको लाइक पास कर दिया क्योंकि मैं चिकन बहुत कम खाती हूँ, बस उसका वेजिटेबल्स और शोरबा खाती हूँ, उसका जो ये ग्रेवी होता है।
नहीं मैं तो सब कुछ खाता हूँ। हाँ, दिनेश जी और सासुती हर साल भी चिकन के बिल्कुल बहुत बड़े फैन हैं हम लोग। एकदम बस मैं लवर है, मुझे तो मछली चाहिए फिश। सुबह के नाश्ते में आज बन रहा है ओट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और 14th फरवरी है, तो वैलेंटाइन डे है आज। आज के दिन हम लोग कुछ खास ऐसा नहीं करते हैं, हाँ बच्चों को कोई गिफ्ट जरूर देते हैं। बस शुरू से ही इस तरह से हम लोग मनाते आ रहे हैं। इस दिन हम लोग बाहर कहीं चले जाते हैं घूमने के लिए, कुछ बाहर ही खा पी लेते हैं और कोई छोटा मोटा बच्चों को गिफ्ट दे दिया, बस इतना ही आज के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आज साम्भवी भी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जाने वाली है, तो मैंने बोल दिया है गिफ्ट ले लेने के लिए हम लोगों की तरफ से। और हम लोग भी कहीं घूमने जाएंगे दिन में, वहीं पे लंच करेंगे और सासुती को कोई गिफ्ट दे देंगे खरीद के। आज का प्लान इतना ही है, तो लंच थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, बाहर कुछ भी खाओ इतना लाइट तो नहीं होता है। तो सुबह की शुरुआत हम लोग ओट्स से कर रहे हैं, पहले नाश्ता करते हैं फिर तैयार होते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ, ये देखिए अपनी अपनी वैलेंटाइन को ट्रीट देने, बस साम्भवी को मिस कर रही हूँ। वो भी जा रही है बाहर फ्रेंड्स के साथ। हाँ वो भी जा रही है अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन यहाँ पर मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों का एंजॉयमेंट तो बस बच्चों के साथ ही है। कोई भी फेस्टिवल हो सबका होता है, हम मेरा भी। और फ्रेंड्स आप सब क्या क्या कर रहे हो कमेंट में बताना जरूर। मैं तो बस यहीं जाऊँगी, बगल में वेगास मॉल है, सासुती का फेवरेट प्लेस है, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। चुनू देखो आ गया तुम्हारा मॉल। हाँ मॉम फाइनली। मैं तो यहाँ आके बोर हो गई हूँ। चुनू तुमको यहाँ आने में क्या मजा आता है यार? हमें मजा आता है, बस आता है तो आता है, इसका कोई रीजन थोड़े होता है। और ये देखिए चल पड़े दोनों, कोई परवाह नहीं है, पीछे मैं भी हूँ। हमेशा ऐसा ही होता है, साम्भवी भी होती है तो तीनों बाप बेटी निकल चलते हैं आगे, मैं पीछे आ रही हूं या ना कोई परवाह नहीं। कहीं भी घूमने के लिए निकलो तो सबसे पहले सासुती जो लेती है वो मोमोज है, मोमोज तो मस्ट है। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक भी उसका फेवरेट है, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक विद आइसक्रीम। चिकन टिक्का रोल जो है ना दो, एक चिकन टिक्का रोल और पंजाबी बाय नेचर एक और पनीर टिक्का रोल। हाँ और एक चिकन टिक्का रोल। हाँ और ये चाहिए मुझे भेज कबाब, कबाब प्लेटर जो है ना उस वो एक, और एक नॉन वेज कबाब प्लेटर। कितना टाइम लगेगा भैया? मैम टाइम तो लगेगा वो 10-12 मिनट लगेगा, वहाँ का ऑर्डर आ जाएगा। मैं और दिनेश जी तो सिंपल दाल रोटी और वेज टिक्का लिए थे, सासुती के लिए हमने पिज्जा भी लिया था और चिकन रोल, लेकिन सासुती फुल हो गई थी तो पिज्जा घर के लिए पैक करवाना पड़ा। अभी खाने वाले थे, मैंने इतना सारा खाना ऑर्डर कर दिया था, प्राइस में पता ही नहीं था, तो वो घर जाके खाएंगे सासुती अब फुल हो गई। सासुती को मोस्टली ड्रेस खरीदना बहुत पसंद है, तो ज्यादातर मैं उसको ड्रेस ही गिफ्ट में देती हूँ। और कुछ इतना अच्छा वैरायटी नहीं लगा, इतना अच्छे लग रहे हैं। ये वाला ड्रेस सासुती को पसंद आया था और साम्भवी भी आज गई हुई है फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी वहाँ पर ड्रेस ही लेगी। लेकिन मैंने भी साम्भवी के लिए एक यहाँ पर भी लिया था। Done. चलो परफेक्ट। हाँ
रखो। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है आज वैलेंटाइंस डे है। तो पहले जब मैं दिल्ली में हुआ करती थी तो मैं, मम्मी, पापा और चुन्नू हमेशा बाहर जाया करते थे और बहुत सारा एंजॉय किया करते थे और गिफ्ट्स लिया करते थे। लेकिन इस बार मैं यहाँ पर हूँ तो चुन्नू, मम्मी, पापा बाहर जाएंगे, इसलिए अभी बाहर आ गई हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। और अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर एंजॉय करूँगी, खाना खाऊँगी और कुछ गिफ्ट्स लूँगी। और इस बार मैं व्लॉग में बहुत टाइम बाद आ रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं किया, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को बहुत मिस किया। और मैंने खाने में क्या क्या लिया है ये मैं आप लोगों से अभी शेयर करती हूँ। क्या हो रहा है? और अभी हम लोग ले रहे हैं सरस्वती स्पेशल माचा टी। सरस्वती माचा टी बहुत ही अच्छा बनाती है और इतना हैवी खाने के बाद तो जरूरी था, जरूरी था। और हम लोगों ने आज खूब एंजॉय किए, बहुत ज्यादा एंजॉय। हम लोगों का एंजॉयमेंट का मतलब होता है खूब सारा खाना खाना, तो जम के खाना खाए हैं। और सरस्वती को गिफ्ट मिला, दिनेश जी ने मुझे भी एक गिफ्ट दिया, ड्रेस दिया था, हमने ड्रेस खरीदा था आज। और क्या और क्या आपको पता होगा, आप सबने क्या क्या किया सब कमेंट करके बताना। सब कमेंट करके जरूर बताना। तो ब्लॉग यही खत्म करते हैं और मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना क्या क्या किया आप सबने आज। बाय बाय।